बैंक ऑफ महाराष्ट्र भीलवाड़ा के प्रथम फॉरेक्स सेंटर का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एवं उद्घाटक बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कार्यपालक निदेशक आशीष पांडे, भीलवाड़ा जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने फीता काट कर किया। इस अवसर पर जयपुर अंचल के अंचल प्रबंधक संतोष टूरड़, जयपुर अंचल के उप अंचल प्रबंधक मुकेश कुमार शर्मा, भीलवाड़ा शाखा के शाखा प्रबंधक अरविंद जुनेजा, RSWM लिमिटेड के CFO अवनीश भार्गव, लग्नम स्पिनटेक्स लिमिटेड चेयरमैन DP मंगल, लग्नम स्पिनटेक्स लिमिटेड MD आनंद मंगल सहित भीलवाड़ा इंडस्ट्री के पदाधिकारी मौजूद रहे। देखिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अगर आप देखें तो हमने परसों ही, दो दिन पहले ही अपना रिजल्ट डिक्लेयर किया है, तो 451.90 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। काफ़ी बेंचमार्क्स में हम इंडस्ट्री में नंबर वन पे चल रहे हैं। अब जब आपने बात की राजस्थान की और भीलवाड़ा की, तो हमें ये बखूबी मालूम है कि जो भीलवाड़ा जो पूरी बेल्ट है, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, उदयपुर और तो इसमें चित्तौड़गढ़, इसमें काफ़ी अच्छी यूनिट्स हैं और इतने अच्छे से सब यहाँ पे जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, वो जिस तरीके से इतने अच्छे बिजनेस कर रहे हैं, MBA भी बहुत कम है। और जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ मैंने देखी जब मैं कल जयपुर से इधर आ रहा था, तो इस पूरे कॉरिडोर में जो हाईवेज हैं, जिस प्रकार से सप्लाई चेन का मूवमेंट है, ट्रक्स का मूवमेंट है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पूरे इस इकोसिस्टम के लिए, और बैंक का बहुत बड़ा रोल है। आज हमने यहाँ पर अपने फॉरेक्स सेल की स्थापना की है, क्योंकि कई कंपनीज हैं जिनको जयपुर जाना पड़ता था अपने डॉक्यूमेंट्स लेके, तो स्वाभाविक ही एक से दो दिन का उनको नुकसान होता था। तो आज हमने यहाँ पर जो हमारी ब्रांच है भीलवाड़ा में, उसमें हमने फॉरेक्स सेल खोला है। तो छोटे से छोटा कस्टमर और बड़े से बड़ा कस्टमर अब यहाँ पर हमारा फॉरेन एक्सचेंज का कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकता है। तो बी कैटेगरी ब्रांच है, तो भी सोच रहे हैं जो भीलवाड़ा में हम ओपन करेंगे। ये तो एक तरफ की ब्रांच है, दूसरा जो जितने भी बड़े बड़े कस्टमर्स हैं, इंडस्ट्रियल इस्टेट हैं, उनके आसपास हम एक स्काउट कर रहे हैं, तो वहाँ पे खोलेंगे हम एक बड़ी ब्रांच। और इसके अलावा हम अगर आप देखें तो जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है वो डिजिटल क्षेत्र में काफ़ी आगे है, तो हम डिजिटल बैंकिंग यूनिट, जिसका जिक्र आपने अभी आखिरी बजट में भी सुना होगा, तो हम अपने कई कस्टमरों से भी बात कर रहे हैं जिनकी यूनिट के आसपास हम डिजिटल बैंकिंग यूनिट ओपन करेंगे। वो यूनिट इस प्रकार से फंक्शन करेगी कि 400 स्क्वायर फीट में हमारे जो ATM ना होंगे, CRM होंगे, तो कैश का लेन देन दोनों होगा, मल्टी फंक्शन कियोस्क होंगे, तो करीब 18 से 20 सर्विसेज इंक्लूडिंग अकाउंट ओपनिंग वहाँ हो जाएगी, आधार सीडिंग, PM जीवन ज्योति, सुरक्षा बीमा, अटल पेंशन योजना, सब अप्लीकेशन वहाँ हो जाएगी। इसके बाद हम वहाँ टैबलेट भी देंगे कि इंटरनेट बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स करने हैं, पासबुक प्रिंटिंग करने हैं, प्लस इसके साथ में हम एक दो स्टाफ भी रखेंगे लैपटॉप के साथ में, जो कोर बैंकिंग सोल्यूशन पर ट्रांजेक्शन करके दे सकें। तो इस क्षेत्र पर हम जरूर चाहते हैं कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक अच्छा काम कर रहा है, लेकिन आने वाले समय में और भी अच्छा करें, इसको हम स्ट्रेंथन करने के हम प्रयास में हैं। और सबसे पहले तो आज़ादी का अमृत महोत्सव देखेंगे, तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने इसको 6 जून से चालू किया था, तो पूरे बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने हर जोन में, हर जगह पे, खैर जहाँ पे हम लीड डिस्ट्रिक्ट है वहाँ तो हमने लीड रोल में काम किया, लेकिन ये हमारा आदेश था और अनुदेश था कि सभी जितने भी हमारे जोनल ऑफिसेस ब्रांचेस हैं, तो उन लोगों ने 7 से 10 दिन का पूरा महोत्सव के रूप में इसको मनाया था। जैसे आप आज ये शाखा देख रहे हैं, सजी धजी हुई है और अपने जो व्यवसाय है उसको कर रहे हैं, तो उसी प्रकार से तो हमने सभी शाखाओं को और जोनल ऑफिस को इसमें हमने काम पे किया था।
और एक ही दिन में हमने 10,000 SHG लोन्स दिए थे। तो इस बीच में हमारे PM जीवन ज्योति सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना और PMJDY अकाउंट, कस्टमर सर्विस, BC का डिप्लॉयमेंट, तो हमने इस पूरे में किए। तो ऑलरेडी हमारी जो यहाँ पे अंचल प्रमुख हैं महोदय संतोष, तो हमने ऑलरेडी उनको बोला हुआ है, तो वो जो है तो ऑलरेडी उनको बोला हुआ है कि वो अपना यहाँ पे वापस 7 दिन 10 दिन का एक प्रोग्राम है, वो यहाँ पे जो SHG लिंकेजेस हैं, वो यहाँ पे मुख्यमंत्री की एक बहुत अच्छी स्कीम है कार्ड की, जो हम नंबर 1 भी चल रहे हैं यहाँ पे, तो उसमें भी इनके काफ़ी मेरे ख्याल से उसमें, मैं जब आया था पहले फरवरी में तो 50-60 कार्ड दिए गए थे, उसके बाद में भी अच्छा एक्सपेंशन किया था। तो हम इस प्रकार से वापस यह योजना बना रहे हैं कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में सच में हम आज़ादी का अमृत महोत्सव करें। दूसरा इसी का एक बहुत बड़ा पिलर है आत्मनिर्भर भारत। तो हम इस समय रिको इंडस्ट्रियल इस्टेट जो है वहाँ पे जो अच्छे एंटरप्रेनर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, हम ये भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि जो एक्सपोर्ट में या इंपोर्ट में, फॉरेक्स में या नॉन फॉरेक्स में, अगर उनकी हैंड होल्डिंग करके उनको कोई लिमिट चाहिए है तो वो अपने पैरों पे खड़े हो सके और अच्छा काम कर सके, इस पे भी हमारा काम चालू।